नमस्कार, मैं दीपाली, आप सभी का स्वागत दीपाली एस्ट्रो में करती हूँ। और देखते हैं आज का दिन यानी कि 23 सितंबर 2020 कैसा जाने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं मेष राशि वालों के साथ। मेष राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज के दिन बैलेंस बना रहेगा, मन को शांत रखना है दोनों ही तरफ, चाहे वो आपका कार्य क्षेत्र हो या पारिवारिक स्थिरता हो, दोनों ही तरफ संतुलन बना रहेगा। आज के दिन ऑन एंड ऑफ जो परिस्थितियां कुछ दिनों से आपके जीवन में चल रही थी वो कंट्रोल्ड रहेंगी, बैलेंस्ड रहेंगी। कहीं ना कहीं सामान्यता जैसा दिन जा रहा है जाता रहेगा, कुछ खास इसमें विशेष उतार चढ़ाव या नेगेटिविटी देखने को नहीं मिलेगी। काफ़ी अगर परिस्थिति को मैं देखूं तो आकलन अगर करूं पिछले 6 महीने से लेकर आज तक का आपका सफ़र, काफ़ी स्थिरता के साथ आप पॉजिटिविटी इम्प्रेस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं आपकी चीज़ों में, आपके व्यवहार में आपकी कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी आई है, इवॉल्व हुए हैं आप बेटर ह्यूमन बींग के रूप में। इसी तरह से चलते चलिए, पॉजिटिविटी आपको देखने को ज़रूर मिलेगी। बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। वृषभ राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज के दिन आपके जीवन में कुछ ना कुछ आर्थिक स्थिरता को लेकर कोई इम्पॉर्टेंट दृढ़ निश्चय आप ले सकते हैं। फाइनेंसेस को लेकर आपको इन्वेस्टमेंट निवेश करने की सोच सकते हैं, कहीं ना कहीं कुछ नया काम करने की भी सोच सकते हैं और किसी व्यक्ति विशेष के साथ आप पार्टनरशिप्स में भी एंटर हो सकते हैं। साथ ही साथ आज के दिन अगर आपके कार्य क्षेत्र को छोड़कर आपके पारिवारिक रिश्तों की बात करूं तो संबंधों में प्रगाढ़ता आते हुए देखेंगे, मन शांत होगा, पॉजिटिविटी इम्ब्रेस कर पाएंगे, साथ ही साथ परिजनों का सपोर्ट भी आज के दिन देखने को मिलेगा। लंबे समय से चल रहा पारिवारिक तनाव कहीं ना कहीं स्थिरता का रूप रहता हुआ सामने आएगा, कहीं ना कहीं से एक्सटर्नल मदद या कुछ ना कुछ उम्मीद की राह आज के दिन देखने को मिलेगी। बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि वालों, देर से ही सही पर परिस्थिति आपके फेवर में आई है, मन आपका शांत हुआ है, पॉजिटिविटी इम्ब्रेस कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं आप अपनी सूझबूझ का परिचय कार्यक्षेत्र में भी दे पा रहे हैं। काफ़ी काबिले तारीफ़ है कि आपने इतनी पॉजिटिविटी के साथ अपने आप को कहीं ना कहीं आपने स्थिरता के साथ खड़ा रखा हुआ है। साथ ही साथ आज के दिन कार्यक्षेत्र में कुछ ना कुछ चैलेंजेस ओवरकम कर पाएंगे, कहीं ना कहीं स्ट्रीमलाइन कर पाएंगे प्रोफेशनल चैलेंजेस को, डेडलाइंस को अडेयर कर पाएंगे, कुछ नया काम भी आपको देखने को मिल सकता है। बारीकी से अध्ययन करेंगे तो देखेंगे कि परिस्थितियां आपकी बड़ी ही गतिशील तरीके से चेंज हुई हैं, खासतौर पे एक हफ्ते के दौरान पॉजिटिव चेंज है, इसको एम्ब्रेस करिए और आगे बढ़ते चलिए। बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों, आज के दिन की मैं बात करूं तो मन शांत रहेगा, पॉजिटिविटी बनी रहेगी, सभी तथ्यों को आप वेरीफाई कर परिस्थितियों को अपने कंट्रोल में कर पाएंगे। साथ ही साथ आज के दिन नेगेटिविटी आपके जीवन से दूर जाएगी, कहीं ना कहीं जो इमोशनल लेवल पर आपको कोई एक इम्पॉर्टेंट इशू कहीं ना कहीं बीच बीच में बॉदर करता हुआ नजर आ रहा था, अब वो परिस्थिति भी पॉजिटिविटी को टच करते हुए जाएगी। साथ ही साथ आज के दिन कुछ नवीनतम आप स्ट्रैटेजी बना सकते हैं प्रोफेशनल इम्प्रूवमेंट के लिए, कहीं ना कहीं कोई डीप एनालिसिस कर सकते हैं, सर्टिफिकेशंस करने की भी सोच सकते हैं, बिजनेस विस्तार के संदर्भ में भी कुछ नया आइडिया, क्रिएटिव एक्यूमन आज के दिन आपका जागृत रह सकता है। साथ ही साथ सरकारी सर्विस से संबंधित अगर आप कहीं ना कहीं प्रेपरेशन कर रहे हैं तो उसमें भी आपको स्थिरता या पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों, आज के दिन की मैं बात करूं तो आज के दिन नेगेटिविटी को अपने आप से दूर रखना है, मन को स्थिर करना है, पॉजिटिविटी इम्ब्रेस करते हुए आगे चलना है। साथ ही साथ फिनेंसिस से संबंधित कहीं ना कहीं आपके लिए कोई शुभता, शुभ संकेत, पॉजिटिविटी आपको देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं बिजनेस का विस्तार जो आप करने की सोच रहे हैं या इतने दिनों से नहीं कर पा रहे थे, अब वो भी परिस्थिति आपके फेवर में आनी शुरू हो गई है। बस इम्पल्स पर आकर शॉपिंग करने से या इम्पल्स पर आकर डिसीजन लेने से, खासतौर पर निवेश के संदर्भ में, वहाँ पर थोड़ा सा अभी चेक पॉइंट लगाने की ज़रूरत है। साथ ही साथ आज के दिन स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा संवेदनशील और रहना है, खान पान में थोड़ी सी समझदारी या सावधानी बरतने की आज के दिन सख्त ज़रूरत है। नियमित रूप से अगर आप कुछ व्यायाम या लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट टेक्निक्स पर काम कर रहे हैं तो आज के दिन वो कारगर साबित हो सकती हैं। बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वालों, आपके लिए बड़े लंबे समय के बाद पॉजिटिविटी, रिश्तों में स्थिरता और कहीं ना कहीं आपके पराक्रम में वृद्धि भी आज के दिन आपको देखने को मिलेगी, मन शांत रहेगा। साथ ही साथ अचानक से आ रहे इस पॉजिटिव परिवर्तन के लिए कहीं ना कहीं आपको अंदाज़ा तो था, लेकिन अब आपकी चीज़ें फुल कॉन्फिडेंस के साथ आपके लिए पॉजिटिविटी ला रही हैं चीज़ें। कार्यक्षेत्र की बात करें, पारिवारिक संबंधों की बात करें, सब तरफ से अब बैलेंस बनना शुरू हो रहा है। कहीं ना कहीं अब आप कुछ रेलोकेट करने की, स्थान परिवर्तन करने की या यात्रा करने का कुछ ना कुछ आपके
लिए कहीं ना कहीं इंडिकेशंस आ रहे हैं। साथ ही साथ निवेश करने के संदर्भ में अगर आपने पास्ट में किया था तो वो अब आपको कहीं ना कहीं कोई प्रॉफिटेबल वेंचर आपके लिए साबित हो सकता है। बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वालों, आपके लिए पॉजिटिविटी इंडिकेटेड है। कार्य क्षेत्र में विस्तार का फेज़ है। मन आपका शांत है। परिस्थितियां आपके फेवर में है। कहीं ना कहीं चीज़ों को कंट्रोल करके, पॉजिटिविटी इम्ब्रेस करके आप बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ पाए हैं। लोग आपके काम की तारीफ भी कर रहे हैं। सशक्त भी आप बन रहे हैं, एम्पावर्ड हो रहे हैं। कॉन्फिडेंस लेवल में भी इजाफा हो रहा है। काफ़ी सारे चेंजेस आपने महीना डेढ़ महीना के दौरान देखे हैं। ये भी सही है कि जिस चीज़ के प्रति आप लगे हुए थे, अब वो भी टास्क आपका ख़त्म हो रहा है। तो एक टेंशन से तो अब आपको निजात मिल रही है। पारिवारिक स्थिरता आनी शुरू हो गई और रिश्तों में भी कहीं ना कहीं प्रगाढ़ता मात्र 10 से 15 दिनों में देखने को मिल जाएंगे। तो कुल मिला के आज का दिन आपके लिए सामान्य जा सकता है, जहां पर आगे आने वाली पॉजिटिविटी की एक शुरुआत या एक आहट या एक कहीं ना कहीं संकेत आपको देखने को मिल सकते हैं। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि वालों, लंबे समय के बाद कहीं ना कहीं आपकी मनोकामना पूरी होने वाली है, चाहे वो निवेश संबंधित कहीं ना कहीं कुछ प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ ना कुछ निवेश करना चाह रहे हैं या पारिवारिक स्थिरता की तरफ बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके लिए शुभता, शुभ संकेत, परिस्थितियां पॉजिटिविटी के साथ मूव करती हुई नज़र आ रही हैं। साथ ही साथ आपके पार्टनर का सपोर्ट या कॉन्फिडेंस लेवल में इजाफा जो आपका हो रहा है, वो आपके परिवार की तरफ से जो सपोर्ट मिल रहा है उसकी वजह से हो रहा है। साथ ही साथ आप परिवार की तरफ जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या उत्तरदायित्व बनता है, समय है कि आप उसकी पूर्ति करें। साथ ही साथ आज के दिन कहीं ना कहीं लंबे समय से चल रही कोई पारिवारिक तनाव या अस्थिरता का जो एक समय चल रहा था, वो भी कहीं ना कहीं दूर होता हुआ नज़र आएगा और सामंजस्य भी पारिवारिक स्थिरता में देखने को मिलेगा। बात करते हैं धनुराशि वालों के लिए। धनु राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज के दिन पॉजिटिविटी को एम्ब्रेस करना है, नेगेटिविटी को अपने आप से दूर रखना है, मन को अशांत करते हुए चलना है। आज के दिन नेगेटिविटी को दूर रखने का सबसे अच्छा जो एक आपके लिए एक कारण हो सकता है या एक रीज़न हो सकता है, वो ये कि आप आपके जीवन में जिस तरह जिस राह पर चल रहे हैं, आगे देखिए कि पॉजिटिविटी को एम्ब्रेस करने के लिए क्या बेटर ऑप्शंस हैं आपके पास। अगर आप आज के दिन शॉर्ट टर्म चीज़ों में अपना मन लगाएंगे तो आप आगे की तरफ बढ़ नहीं पाएंगे या सिचुएशंस को उस तरह से एम्ब्रेस नहीं कर पाएंगे। आज के दिन स्थिरता बरतने के लिए माइंड बॉडी सोल का बैलेंस बनाना उतना ही ज़रूरी है जितना कि आपका कार्य क्षेत्र में उपस्थिति आपकी आज के दिन होना। बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज के दिन पॉजिटिविटी आपके जीवन में आ रही है, मन आपका शांत हो रहा है। साथ ही साथ निवेश करने के संदर्भ में या संबंधित अगर आप कोई लिखा पढ़त करने की सोच रहे थे या कोई डॉक्यूमेंट जांच परख के लिए आपने बढ़ाया था, वो सारी चीज़ें आपके लिए शुभता, शुभ संकेत लेकर आ रही हैं। कहीं ना कहीं आगे आने वाले जीवन में जो आपने एक बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड को जो आप अपने दिमाग में रखते हुए चाहते हैं कि मैं अपने जीवन में मेरी पीस प्रायोरिटी है या हार्मनी प्रायोरिटी है या इंटरनल हैप्पीनेस मेरी प्रायोरिटी, उसको ध्यान में रखते हुए जो भी अब आपने प्लानिंग करी है वो सभी मैनिफेस्ट होने वाली हैं। कहीं ना कहीं आपको आर्थिक रूप से भी स्थिरता या पॉजिटिविटी अपनी चीज़ों में देखने को मिलेगी। काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव चेंज है। मन को स्थिर रखकर आगे बढ़ने की सख्त ज़रूरत है। बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए। मीन राशि वालों, आज के दिन आपके लिए पॉजिटिविटी इंडिकेटेड है। सब तरफ से माइंड बॉडी सोल का बैलेंस बना हुआ है। कहीं ना कहीं आपके लिए यात्रा का कहीं ना कहीं बहुत दिनों से एक परिस्थिति बनकर तैयार हो रही है। इन चीज़ों को आपको एम्ब्रेस करते हुए आगे बढ़ना है। असफलता कुछ ही समय के लिए आपके जीवन का एक हिस्सा हो सकती है, लेकिन इसको लंबे समय तक सोचना, ओवर थिंकिंग करना या उसी चीज़ को मन में बिठाकर आगे ना बढ़ना, ये आपके लिए कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बन सकता है। इसलिए जो बीत गया उसको छोड़िए, आगे बढ़ते चलिए, पॉजिटिविटी एम्ब्रेस करिए, कहीं ना कहीं कार्यशील भी बनिए और आपकी परिस्थितियां गतिशील तरीके से कार्य क्षेत्र में भी विस्तार का रूप लेते हुए नजर आएंगी। कहीं ना कहीं नौकरी चेंज करने का या बेटर फाइनेंशियल ऑप्शंस आपके सामने आने का महत्वपूर्ण एक योग तैयार होता हुआ नजर आएगा। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए, मैं कल फिर हाजिर होंगी। नमस्कार।